सर जैसे कि आपने बताया कि ये कंबाइन आपको इतने में मिल जाएगी, तो हमारे वीडियो के माध्यम से काफ़ी दूर दूर से मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर लोग आते रहते हैं, तो क्या आप उनके लिए कुछ डिस्काउंट देंगे, कुछ सहूलियत? सर अगर आपके चैनल के रेफरेंस से कोई भी आता है तो उसको हम फ्लैट 20,000 का डिस्काउंट दे देंगे। 20,000 रुपये का डिस्काउंट? जी सर बिल्कुल, 20,000 रुपये का डिस्काउंट आपके जो रेफरेंस से आता है, जो आपके चैनल का नाम लेगा कि हम उनके चैनल पे देख के आए हुए हैं, उसको 20,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं कंबाइन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप में से कुछ व्यूअर्स लोगों का सोच होगा या फिर कुछ व्यूअर्स लोगों का कमेंट होगा कि एक्चुअली शिवम भाई तो गोपालगंज के ब्लॉग्स में ये हमें दिखाते रहते हैं गोपालगंज में सेकेंड हैंड कार कहाँ खरीद सकते हैं, सेकेंड हैंड बाइक कहाँ खरीद सकते हैं। हालांकि आप लोग पिछले वीडियो में देखे हुए थे, हमने एक न्यू इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी का भी वीडियो दिखाया हुआ था कि आप गोपालगंज में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी कहाँ से खरीद सकते हैं। और दोस्तों फाइनली मैं आज आप सभी को दिखाने वाला हूँ, ये देख सकते हैं कंबाइन, कि आप गोपालगंज में कंबाइन कहाँ ले सकते हैं। और क्योंकि दोस्तों आप में से बहुत सारे व्यूअर्स लोग का एक्चुअली ये चीज़ का कमेंट भी होगा शायद से, अभी तक तो आप लोगों का कमेंट नहीं आया था, बट मैं अपने आधार से इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो आज हमारे साथ है ये कंबाइन के जो ऑनर सर, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। नमस्कार सर। जी सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि सर अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए, चूँकि मेरे व्यूअर्स को आपके बारे में कुछ पता चल सके। सर मेरा नाम अविनाश राय है जी, मैं श्री दुर्गा मोटर्स का ओनर हूँ, जैसा कि आपने एक वीडियो हमारा और स्कूटी का भी बनाया हुआ है, इलेक्ट्रिक स्कूटी का। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ हम करतार हार्वेस्टर के डीलर हैं गोपालगंज और सीवान डिस्ट्रिक्ट। जी बिल्कुल। जो कि ये हार्वेस्टर मेनली आप फसल की कटाई में काम आता है, आप देख सकते हैं कि 7-8 तरह की फसल ये काट सकती है, मतलब धरती के ऊपर जो भी फसल हो रही हो ये सारी फसलों को काट सकती है। अपने यहाँ मेजरली धान या गेहूं की कटाई में काम आती है। जी बिल्कुल। अब हाल फिलहाल लोग सोयाबीन की कटाई भी इससे कर रहे हैं। जी बिल्कुल। बाकी आप देख सकते हैं करतार 4000 इसका रेगुलर मॉडल है। जी बिल्कुल। ये भारत की सबसे पहली कंपनी है जी, जो कि हार्वेस्टर में एग्रीकल्चर विभाग में सबसे पहले आई थी। जी। अब देख सकते हैं सिंस 1975 एस्टेब्लिशमेंट डेट है ये कंपनी का। जी बिल्कुल। आपको ये हार्वेस्टर में जैसे 2-3 खूबी है और कंपनियों के मुकाबले, कंपनी तो बहुत है। जी बिल्कुल। लेकिन ये हार्वेस्टर क्या है कि जैसे मैंने अभी बताया सबसे पहली कंपनी है। जी बिल्कुल। तो इसके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि फार्मर को क्या चाहिए, कैसे चाहिए। मतलब आप एक्चुअली अभी जैसे कि धान की कटाई तो अभी चुकी, अभी गेहूं की कटाई आने वाली है, तो मतलब ये अभी मार्केट में काफ़ी धमाल मचा रहा है ये कंबाइन अभी। आपको तो, सर यूपी और बिहार में मतलब ऑल ओवर इंडिया में करतार के हार्वेस्टर सबसे ज़्यादा मिलेंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि इनका सर्विस, स्टेबिलिटी और सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस में ये कभी आपको मतलब किसानों को धोखा नहीं दे सकती हैं। जी बिल्कुल। और कंपनियों के मुकाबले ये ब्रेक डाउन नहीं देती हैं। जी बिल्कुल। ये कंपनियों का पार्ट्स आपको कहीं भी आसानी से मिल सकता है, परेशानी नहीं होगा, कुछ भी टूटा फूटा आप अपने नज़दीकी स्पेयर पार्ट से ले सकते हैं, हमसे ले सकते हैं या अभी जो भी आपके नज़दीक में हो मिल जाएगा। तो मैं दोस्तों मैं जैसे कि आप सभी को बताया कि अपने गोपालगंज में ही आप खरीद सकते हैं कंबाइन, तो सर ने बताया कि इससे 5-6 फसल हम लोग कटाई कर सकते हैं, तो सर कौन कौन सी फसल हम लोग कटाई कर सकते हैं इससे थोड़ा हमारे व्यूअर्स लोग बताते हैं आपको। मेजरली अपने वहाँ तो धान और गेहूं कटती है, अब सोयाबीन भी कट रही है, इसके सिवाय आप मक्का काट सकते हैं, चना काट सकते हैं, सूरजमुखी का जो ये आता है फल आता है वो काट सकते हैं, और सीरियल क्रॉप जैसे मटर हो गया, अनाज हो गया, या फिर ये क्या कहते हैं चना वना, सब कुछ काट सकते हैं इससे। मतलब एक तरह से मान के चलिए धरती के ऊपर जो भी फसल होती है सबकी कटाई कर सकती है। जी बिल्कुल। तो सर ये जो कंबाइन है थोड़ा सा इसके बारे में व्यूअर्स को थोड़ा सा आप बताते कि इसकी क्या क्या खासियत है, थोड़ा व्यूअर्स लोग को आप बता दें। देखिए सर ये करतार हार्वेस्टर 4000 है रेगुलर मॉडल, जो कि 4 गियर में आती है। जी बिल्कुल। इसमें आपको इंजन मिलेगा अशोक लीलैंड का 6 सिलेंडर 101 हॉर्स पावर, जो कि हार्वेस्टर के लिए बेस्ट इंजन है। जी बिल्कुल। ये और कंपनियां शायद अशोक लीलैंड ना देती हों, लेकिन हमारी कंपनी की हर गाड़ी अशोक लीलैंड इंजन के साथ आती है। जी। जिसमें आपको माइलेज बेस्ट मिलेगा, परफॉर्मेंस बेस्ट मिलेगा। जी बिल्कुल। ठीक है सर। और जो भी जैसे सर माइलेज क्या होगा इसका? माइलेज सर जैसे अगर धान की कटाई है तो उसमें थोड़ी नमी होती है। जी बिल्कुल। तो उसमें आपका लगभग 7 लीटर घंटे के हिसाब से जाता है, ये सब घंटे के हिसाब से माइलेज चलती है इसकी। और वही अगर गेहूं की कटाई है तो सूखा रहता है तो लगभग 4 से 5 लीटर पर आवर की ये कंजप्शन होता है। जी बिल्कुल। और इसमें जैसे कटाई के लिए जैसे जहाँ से फसल अंदर जाती है, यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर समझाते हैं हमारे व्यूअर्स को। इसमें जैसे यहाँ से फसल अंदर जाती है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो चद्दर लगी होती है, जैसे फसल अंदर जा रही है तो स्टील अगर मेटल रहा लोहा रहा तो वो घिसता है। जी। लेकिन हमारी कंपनी वहाँ पे आपको SS लगा के देगी, SS स्टेनलेस स्टील, जिसके वजह से वो घिसाई कम होती है। उसके बाद अनाज जो ऊपर ले जाती है टंकी में, वहाँ पे भी आपको SS मिलेगा। मतलब जितनी भी घिसाई की इसमें पार्ट्स हैं
वो सारी स्टेनलेस स्टील रहेंगी ताकि वो जल्दी घिसे ना, आपकी गाड़ी जो है वो लॉन्ग टर्म चले, कम से कम 10 साल 15 साल बाद ही आपको ऐसा लगे कि अब हमारी गाड़ी मतलब चल चुकी है काम पर। आपको इस पे लोन फैसिलिटी भी है? जी बिल्कुल, लोन की फैसिलिटी तो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग बात करने थे, बट फिर भी सर बता रहे हैं, तो लोन के बारे में थोड़ा सा, लोन के बारे में सर थोड़ा सा बताते हैं। लोन फैसिलिटी सर आपको इसमें कई बैंकों से मिलेगी, जैसे एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा है, इंडसइंड है, HDFC, हर बैंक से मिलेगी जी बिल्कुल, जैसी आपकी सुविधा हो। तो लोन कराने के लिए सर किस तरह का प्रोसेस है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा? लोन कराने के लिए सर 4-5 डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे आधार पैन तो जनरल है जी बिल्कुल, उसके बाद बैंक का स्टेटमेंट 6 महीने का हो गया जी, आपका 5 एकड़ की जमीन की LPC लगती है जी बिल्कुल, क्योंकि मान लीजिए बड़ी मशीन है, लगभग 25 लाख की मशीन है जी बिल्कुल, तो बैंक वाले भी थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन करते हैं, तो 5 एकड़ की LPC लगती है, बस इतना पेपर आप। और आपका अगर सिविल ठीक रहा तो लगभग आपको 70% लोन इस पे मिल जाएगा, 30% का डाउन पेमेंट करना पड़ता है। 30% मात्र डाउन पेमेंट करके आपको लोन मिल जाएगा 70% का, यानी कि लगभग आप मान के चलिए 25 लाख की गाड़ी है तो लगभग 17 से 18 लाख आपको लोन मिल जाएगा जी बिल्कुल। सर गाड़ी का ऑन रोड प्राइस के बारे में हम लोग बात करें, तो ऑन रोड प्राइस क्या आपका गाड़ी का? देखिए सर, सबसे पहले तो इसकी जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है अभी की पंजाब में गेहूँ के सीजन के लिए 24,30,000 रुपये जी, जो पंजाब में आपको रहेगी जी, पंजाब से यहाँ लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस सब कुछ मिला के 25,50,000 रुपये ऑन रोड यहाँ पे पड़ रही है जी। ये नेगोशिएबल प्राइस है, अगर आप लेना चाहते हैं मीटिंग किया जाएगा तो कुछ ना कुछ इसमें कंसेशन कर दिया जाता है जी। सर कुछ व्यूअर्स का कमेंट ये होगा कि जैसे कि आपने बताया कि पंजाब में उतना है क्योंकि वहाँ से लाने में तो कुछ खर्चा ट्रांसपोर्टेशन पड़ता है जी बिल्कुल, तो व्यूअर्स का कुछ लोग व्यूअर्स का कमेंट होगा कि मैं डायरेक्टली अगर पंजाब से ले सकूँ तो पंजाब से हमें लेने में कितना ऑन रोड प्राइस देना पड़ेगा? और अगर आप पंजाब से लेना चाहते हैं तो आप हमको 24,30,000 रुपये दे दीजिए जी, रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस कराना चाहते हैं वो बाद की बात है, लेकिन अगर आपको पंजाब से रिसीव करना है 24,30,000 हमको दे दीजिए जी, आप पंजाब में जाइए फैक्ट्री में, हम फ़ोन करा देंगे, हमारे आदमी आपको वहाँ रिसीव कर लेंगे जी, आपको आपका हार्वेस्टर हैंडओवर कर देंगे जी, फिर आप वहाँ से लेके आप घर पे आ सकते हैं जी। सर थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में हम लोग अगर अच्छे से बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ का प्रोसेस और क्या क्या दिया जाता है कंपनी में, अगर बात करें हम उसको? कंबाइन के साथ सर आपको जैसे कि अशोक लेलैंड का इंजन मिलता है, इसका कटर साइज जो है वो 14 फीट का जी, जैसा कुछ लोगों क्या होता है कि बाहर बाहर 14 फीट होता है जी बिल्कुल, जिसमें बगल की अगर ये एक्सटीरियर जो छाट दिया जाए तो वो लगभग 1-1.5 फीट कट जाता है, लेकिन हमारा प्रॉपर कटर ही 14 फीट का होता है जी बिल्कुल। आपको टायर जो है आगे वाला बड़ा टायर साइज आता है, पीछे वाला आप चाहे तो 4x4 भी लगवा सकते हैं, 2x4 भी लगवा सकते हैं जी बिल्कुल, वो आप अपने सुविधा के हिसाब से जी। इसमें आपको रोटावेटर भी हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है, ट्रैक्टर्स भी आने वाले हैं नेक्स्ट सीजन में, हो सके तो आ जाएगी, अभी कंपनी लॉन्च कर रही है जी बिल्कुल। तो सर इस हम लोग इसके बारे में अगर बात कर रहे थे तो इस पे हम लोग कितना डाउन पेमेंट करके इस कंपनी को लोग अपने घर ला सकते हैं, रीफिनेंस करा सकते हैं, कितना डाउन पेमेंट करके? सर डाउन पेमेंट लगभग आप इस पे जैसे अगर 25 लाख की है जी, तो आपका सिविल अगर ठीक रहा सब कुछ, लोन अगर आपका अच्छे से निकल रहा है तो लगभग आप 7 लाख रुपये दे के मिनिमम आप इसको घर ले जा सकते हैं जी बिल्कुल, बाकी आपको बैंक फाइनेंस कर देगा जी बिल्कुल। तो सर थोड़ा सा अपना ये एड्रेस बताते कि ये एड्रेस आपका क्या कहाँ पे होगा, आपका शॉप का नाम क्या होगा, जैसे कि शॉप का नाम तो आपने बताया, एड्रेस क्या होगा, कोई व्यूवर्स अगर दूर से है तो यहाँ पे आपसे विजिट करके आपसे डायरेक्टली बैठ के फेस टू फेस बात करते तो कस्टमर को कुछ ज़्यादा ही नॉलेज मिलेगा, क्योंकि वीडियो के माध्यम से तो जो भी बस देख रहे हैं उनको पता चल ही जाएगा, तो कस्टमर आकर यहाँ पर डायरेक्टली बात कर लेते हैं। और दोस्तों मैं आप सभी से बता दूँ तो सर का नंबर भी मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। सर ये एड्रेस क्या होगा? एड्रेस सर हमारा होगा श्री दुर्गा मोटर्स ऑन NH 28 जी बिल्कुल, यादवपुर चौराहे के पास डॉक्टर GM झा के क्लिनिक के बगल में जी बिल्कुल, हाईवे पर ही हमारा शोरूम है, और भी हमारे 2 ऑफिस हैं उनका भी एड्रेस मैं आपसे आपको दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में लगा दीजिएगा जी बिल्कुल, कटिया में और भोरे में भी हमारा पर्सनल ऑफिस है जी, अगर एक्चुअली बात करेगा कटिया से हैं या फिर भोरे से हैं तो आप उधर ही विजिट कर सकते हैं जी, जो नज़दीकी ऑफिस आपको पड़े वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं जी बिल्कुल। तो दोस्तों यही था आज का ये हमारा छोटा सा वीडियो, और दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप लोग को आज का ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे लिए कोई सुझाव हो तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल के जितने भी नए वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए हम फिर मिलते हैं किसी ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे इस ब्लॉग चैनल के साथ, नमस्कार, धन्यवाद।